दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 100 से ज्यादा फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हवाई सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज, कैंपियरगंज और सहजनवा में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, किया राहत सामग्री का वितरण। सीएम योगी ने कहा, बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है केंद्र व राज्य सरकार। ब्रजेश सिंह हत्याकांड के आरोपी राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह उर्फ राजू उर्फ शालू के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया एनएसए की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एक से 30 अक्टूबर तक चल रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा गोपलापुर वार्ड के नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव व नालियों की कराया जा रहा है साफ सफाई। जमे पानी को करवाया जा रहा है साफ। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बस पार्किंग से रंगदारी व वसूली करने वाले एक अभियुक्त पवन सिंह उर्फ मुकुंद सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रशिक्षण वर्ग के 4 सत्रों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कहा, स्वयं के समर्पण के विचार भाव से सामूहिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाना है आगे। नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में वांछित अभियुक्त द्रविण यादव को कोराबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और राप्ती व सरयू नदी के जलस्तर में जनपद में हुई है बढ़ोतरी। बाढ़ पीड़ितों में अभी तक 14,500 राहत सामग्री का किया गया है वितरण, आगे भी वितरण है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने लोगों से नदी में स्नान न करने की अपील की।